नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया विशेषण को लेकर आई हूँ। तो क्रिया विशेषण की शुरुआत करने से पहले मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक व्याकरण के अन्य महत्वपूर्ण तत्व और पाठ आप तक पहुँच सके। और यदि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाए गए यह पाठ से किसी भी प्रकार की असुविधा या फिर प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं। साधारण रूप में हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन आइए इनकी परिभाषा जानते हैं। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब यानी कि क्रिया विशेषण यानी एडजेक्टिव या किसी अन्य क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब की विशेषता बतलाती है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, वह धीरे टहलता है। इस वाक्य में टहलना एक क्रिया है और धीरे टहलना की विशेषता बतलाता है, यानी कि बतला रहा है कि टहल कैसे रहा है, यानी कि वह धीरे टहलता है, वह धीरे टहल रहा है। जोर से नहीं टहल रहा, धीरे टहल रहा है। तो धीरे टहलना विशेषता बतलाता है। आइए अब हम जानते हैं कि क्रिया विशेषण के प्रकार क्या होते हैं। तो कालवाचक, आवृत्तिवाचक, कृतिवाचक, परिमाणवाचक, नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक वाचक, संबंधवाचक, कारणवाचक, स्थानवाचक और प्रश्नवाचक। तो आइए विस्तार पूर्वक इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। कालवाचक, जिससे क्रिया के समय का बोध होता है, यानी कि टाइम का, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जिससे टाइम का बोध होता है, जिससे टाइम की जानकारी होती है, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण के रूप में समझेंगे कि मैं यहाँ रोज आता हूँ, यहाँ पर रोज कहा गया है, तो इससे समय का ज्ञात होता है। तो मैं यहाँ रोज आता हूँ, यह कालवाचक क्रिया कहलाएगा। अब जानते हैं आवृत्तिवाचक, यह क्रिया के बारबारता का बोध कराता है, यानी कि बार बार आने का, वाक्य को पहचानने के लिए कितनी बार लगाकर सवाल करें और जो जवाब आता है वह आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उदाहरण, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, अक्सर यानी कि बार बार का बोध होता है। अब हम जानते हैं रीतिवाचक, यह क्रिया का ढंग बतलाता है, यानी कि तरीका को बतलाता है कि क्रिया कैसे किस प्रकार से संपन्न हुई है। उदाहरण के रूप में समझेंगे, धीरे धीरे, जल्दी, रोज आदि। अब समझते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है। तो जब कोई शब्द क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा की बात करता है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि जब कोई शब्द क्रिया के परिमाण मात्रा, जैसे इतना मत बोलो, थक जाओगे, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधित विशेषता बताते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि उधर मत जाइए, यहाँ उधर शब्द क्रिया के लिए दिशा का निर्देश कर रहा है, इसलिए यह एक दिशा सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कारणवाचक क्रिया विशेषण, यह क्रिया का कारण को बताता है। उदाहरण के तौर पे, मैं भूखा था इसलिए पिज्जा खाया। नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक यानी कि एडवर्ब ऑफ नेगेटिव, नेगेशन एंड एफर्मेशंस, जो क्रिया नकारात्मक या स्वीकारात्मक स्वीकारात्मक भाव व्यक्त करे, उसे हम नकारात्मक और स्वीकारात्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, मैं नहीं आ रहा हूँ, यहाँ पे नकारात्मक का बोध होता है। मैं स्कूल जरूर जाऊँगा, यहाँ पे स्वीकारात्मक क्रिया का बोध होता है। अब हम जानते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण जिसका प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि कैसे हो तुम,
अब जानते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। संबंधवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जो वाक्यों को जोड़ती है। उदाहरण, यह वह घर है जहाँ मैं रहता था। क्रिया विशेषण और विशेषण और विषय में अंतर क्या है? तो क्रिया विशेषण जिस शब्द में हमें क्रिया की अच्छाई या बुराई बताते हैं उस क्रिया को विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस शब्द से हमें ज्ञान, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण व दोष का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। अंतर क्या है कि विषय व संज्ञा या सर्वनाम शब्द उसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे विशेष, विशेषण और क्रिया विशेषण सबको अलग अलग विभाजित करके अंतर को स्पष्ट किया गया है। अतः वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यही वीडियो की समाप्ति करती हूँ। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप कोई भी समस्या हो कमेंट में लिखें और बताएं। धन्यवाद।